आखिर इंतज़ार ख़त्म ही हो गया। कॉलेज का एडमिशन का वेट करते करते बहुत समय बीत चुका था। तो कॉलेज के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, इसके लिए आपको क्या करना होगा? करना कुछ खास नहीं है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है बस। तो कैसे आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करेंगे? तो अपने ब्राउज़र पर जाइए, वहाँ लिखिए DHECHD। जैसे आप ये लिखेंगे, देखिए आपके पास ये लिंक आएगा ब्लू कलर का, इस पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नोट आ रहा है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई पोर्टल जो है ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म भरने का सेशन 2023-24 के लिए ओपन हो चुका है। तो इस क्रॉस पे पहले क्लिक करके इसको हटाइए और यहाँ पे क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर ऑनलाइन, इस पर क्लिक करके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले देखिए, आप यहां से प्रोस्पेक्टस ज़रूर डाउनलोड करके पढ़ लीजिए। ये रहा प्रोस्पेक्टस। तो अभी खैर ये डाउनलोड हो नहीं रहा है मुझे लग रहा है, बट थोड़े समय के बाद डाउनलोड होने लग जाएगा। तो यहां पे आप क्लिक करते हैं, देखिए तो क्या आता है। तो क्लिक करने के बाद पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। किसको रजिस्टर करना है? अगर आप देखिए सेंट्रलाइज्ड कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं फर्स्ट ईयर में, UG कोर्स के लिए, गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो, तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। ऐसे ही अगर आप नॉन सेंट्रलाइज्ड कोर्स के लिए, चाहे यूजी में या पीजी में, अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट, तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। प्राइवेट के लिए आपको प्राइवेट कॉलेज की जो वेबसाइट है उसके लिए विजिट करना होगा। बाकी ऑन गोइंग क्लासेस या ओल्ड स्टूडेंट्स की भी हम बात नहीं करेंगे, हम न्यू एप्लीकेंट्स की बात करेंगे। तो इस तरह से जो है आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है, और रजिस्ट्रेशन किसको करना है मैंने बता दिया। अगर आप फर्स्ट ईयर में यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं और वो कोर्स सेंट्रलाइज्ड कोर्स है, जैसे एग्जांपल BCA, BCOM, ये सेंट्रलाइज्ड कोर्सेज हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन करनी ही होगी, चाहे आप एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में लेना चाहते हैं चाहे प्राइवेट में। लेकिन आप नॉन सेंट्रलाइज्ड कोर्स जैसे कि BA, इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करनी होगी। प्राइवेट में लेना चाहते हैं तो आपको उस कॉलेज की वेबसाइट पर जाके जैसा कहा गया वैसा करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन कैसे करनी, देखिए ₹70 देकर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कैसे की जाती है इसकी वीडियो मैंने अलग से बनाई हुई है, पिछले साल की है, लेकिन कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे ही लगभग रजिस्ट्रेशन होती है। रजिस्ट्रेशन करना कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस आपसे आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह पूछा जाएगा, वो भरना है बस आपको, और ₹70 फीस पे कर देनी है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बिल्कुल सही भरनी है, क्योंकि उसी पे आपको SMS वगैरह आता है, लिंक आता है फीस वगैरह पे करने का। तो इस बात का ध्यान रखिए, ₹70 आप रजिस्ट्रेशन भर लेंगे। रजिस्ट्रेशन जब आप कर लेंगे तब तो आपको लॉगिन करना होता है। लॉगिन करके आपको फॉर्म भरना होता है। अब फॉर्म भी देखिए दो तरह का है, कि आप सेंट्रलाइज्ड कोर्स के लिए फॉर्म भर रहे हैं या नॉन सेंट्रलाइज्ड कोर्स के लिए भर रहे हैं। जैसे एग्जांपल BCOM के लिए अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो वो सेंट्रलाइज्ड कोर्स है, एक ही बार आपको फॉर्म भरना होता है उसमें, और उसमें फिर आपको कॉलेजेस चूज करने होते हैं। तो वो कैसे करना है सब, उसकी वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है पिछले साल की, उससे पिछले साल की भी है, तो प्रोसेस लगभग वही का वही रहता है। तो एक बार उन वीडियोज़ को आप देख सकते हैं, मैं उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो इस तरह से आप रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और सेंट्रलाइज्ड कोर्स के लिए आपको एडमिशन फॉर्म कैसे भरना है और नॉन सेंट्रलाइज्ड के लिए कैसे एडमिशन फॉर्म भरना है और आगे क्या क्या प्रोसेस रहेगा, पूरा A to Z क्या प्रोसेस रहने वाला है, इन सब की अलग से सेपरेट वीडियोस बना दी गई हैं, आप उन्हें देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कीजिए।